बात करेंगे डैक्स फॉर्मूला की। तो डैक्स फॉर्मूला में हम चलिए डिस्कस करते हैं आज, तो उससे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं और डैक्स फॉर्मूला में बात करेंगे डेट एंड टाइम फंक्शन से। तो सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं। हाँ पूछिए। जी हाँ, क्यूरी में SQL है और फॉर्मूला में आपका फॉर्मूला है नॉर्मल, और क्यूरी के अंदर भी डैक्स फंक्शन इस्तेमाल होता है। हाँ, वो क्यूरी में होता है। हाँ, उसमें टाइम है। पहले पहले तो हम डैक्स फॉर्मूला करेंगे, देन हम विजुलाइजेशन करेंगे, उसके बाद उसमें जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डेट एंड टाइम के फंक्शन में हम आते हैं और डेट एंड टाइम को हम पढ़ते हैं। आज थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मोबाइल फोन से कनेक्ट किया है क्लासेस को, तो कभी किसी का कॉल आ गया तो नेटवर्क वीक हो सकता है। एंड यहां पे मैं इसको लोड कर देता हूं। मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन दे चुका हूँ, एक मिनट। और कल भेजिए, आपको नहीं दिया, दे दिया, दे दिया सर। दे दिया कल्पेश जी, स्टार्ट कीजिए। ओके, तो हमने डेटा को कनेक्ट कर लिया, डेटा को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने डेटा पे, और सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने ऐसा डेट तो किया, लेकिन डेटा में ऐसा हो सकता है कि डेट ना हो। आपका डेट दिख रहा है, हो सकता है ऐसा कि आपका डेट ना हो, तो कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, ऊपर मॉडलिंग में जाइए और यहाँ पे टाइप आता है, तो टाइप में आप डेट एंड टाइम या डेट कर दीजिए। जैसे मैं डेट कर दिया, डेट एंड टाइम करेंगे तो उसके साथ टाइम का फॉर्मेट भी आपके साथ लग के आएगा, अगर टाइम होगा तो। ठीक है, तो ये आपका डेट का फॉर्मेटिंग यहां से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके इससे आपका विजुलाइजेशन में फर्क पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कुछ कॉलम को इसने टेक्स्ट रीड कर लिया है, इसे डेट को रीड नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि जब आप उसकी विजुलाइजेशन तैयार करेंगे तो मंथली नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने डेट को यहां रखा और मैंने क्वांटिटी को रखा और इस पर अपनी विजुलाइजेशन तैयार किया, तो देखिए ईयरली आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इसने ग्रुप करके ईयरली कर लिया। और यहां पे आपके पास होता है टिल डाउन होता है, टिल डाउन करते हैं तो देखिए क्वार्टरली, फिर टिल डाउन करते हैं नेक्स्ट लेवल, तो आपका मंथली, फिर उसके बाद डेट के हिसाब से होता है। ओके, तो अगर डेट का अगर आपने इसमें डेटा में डेट आप कॉलम में डेट है तो नहीं तो कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूरा टिल डाउन होता है, क्योंकि जब इसकी विजुलाइजेशन हम लगाते हैं तो फिर हम वो देखने वाला हर एंगल से देख सकता है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंथली ही दिखे या ईयरली ही दिखे या एक फॉर्मेट में दिखे, तो उस केस में हम अपने डेटा में डेट के लिए कैलकुलेटेड एक नया फंक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो सबसे सबसे पहला फॉर्मूला हम डेट का रखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा डेट का है, तो मॉडलिंग में आते हैं, न्यू कॉलम,
और यहाँ कॉलम के जगह पे हम dt कर देते हैं, मतलब कि डेट, और यहाँ पे फॉर्म लगाते हैं डेट और ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये क्या है कि इसमें आप अलग अलग फॉर्मेट में डालें, क्योंकि देखो होता है क्या है कि अगर आपके पास ये डेट है तो मेरा सिस्टम जो है MMDDYY पे है, इसलिए आपको डेट दिख रहा है कि पहले जनवरी मंथ, जनवरी डेट एंड आपका जो है ईयर आ रहा है। लेकिन अगर अगर मैं किसी को भेजूं तो ये एक किसी और के पास ये फाइल भेजूं, रिपोर्ट भेजूं, तो क्या होगा, उसका सिस्टम MMDDYY पे होगा। उसका सिस्टम किस पे होगा, MMDDYY पे होगा। इससे दिक्कत क्या होगा कि मेरा जो है 2 जनवरी वहाँ पे 1 फरवरी बन जाएगा, मतलब कि मेरा मंथ वहाँ पे डेट बन जाएगा और मेरा डेट वहाँ पे मंथ बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप जो है फॉर्मूला डेट को डेट फॉर्मूला के अंदर में रख सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेल में रखते थे। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 3, मैंने यहाँ पे 12 कर दिया और एंटर मारता हूँ, तो आप देखिए डेट आ गया। अब किसी भी सिस्टम पे जाएगा तो ये आपको 12 मार्च ही रहेगा, चाहे जिस फॉर्मेट पे हो, MMDDYY या DDMMYY हो, ये डेट का फॉर्मूला है। इसी में एक फॉर्मूला और होता है, जैसे आप मान लीजिए कि मुझे करेंट सिस्टम डेट दिखाना है, तो हमारा टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट को शो करता है। टुडे के बाद हमारे पास इसमें नाउ का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों शो करता है। दूसरा कि माँ एथ होंगे, ये तो सिस्टम डेट का होगा। दूसरा बात करते हैं कि मुझे किसी डेट में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना है, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे डेट, यहाँ पे जैसे मुझे मंथ अलग करना है तो मैं मंथ लगाऊंगा और मंथ में अपना डेट का फील्ड को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, लेकिन आप यही पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेट, और डेट में जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछता है क्या चाहिए, तो मैंने बोला इसमें से मंथ चाहिए, एंटर मारिए, ये आपका मंथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऐसे मंथ का फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो इसमें से मंथ अलग करेगा या फिर सिर्फ मंथ कर दे। लेकिन जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मंथ का तो क्या होता है, वो नंबर्स में आता है। अगर आपको नंबर्स में चाहिए तो आप मंथ का, इसका मंथ का फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर आपको जैन फाइव मार्च ऐसे करेक्टर में चाहिए देन आप डायरेक्ट इसका डॉट करके लिख सकते हैं। तरीके से मान लीजिए कि मुझे मंथ चाहिए लेकिन 3 डिजिट में चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मेट फॉर्मूला में आप यहां पे डेट को सिलेक्ट करें और इसमें कॉमा DD/MMM तो इसमें MMM 3 बार MM कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो एक्सेल की जो कस्टम फॉर्मेटिंग है वो कस्टम फॉर्मेटिंग की फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये फॉर्मेट का फॉर्मूला, तो इसमें आप फॉर्मेट का फॉर्मूला, तो आप 3 समझ लीजिए, डे फॉर्मूला जो कि किसी डेट में से डे को अलग करता है, ओके? लेकिन आप डे को नॉर्मली भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि एक तो फॉर्मूला से आप अलग करते ही हैं, अदरवाइज यहीं पे आप जो है डेट का कॉलम लिखें, तो डेट का कॉलम लिखते ही आपको जैसे सिलेक्ट करेंगे पूछे क्या चाहिए, तो मैं ऐसे जैसे मैंने यहां पे लिख दिया डॉट डे चाहिए, तो डे पे क्लिक करते हैं आपको यहां पे इसका डेट आ जाएगा।
यहाँ पे डेट नंबर बनाए या फिर डे का फॉर्मूला लगा, लेकिन मुझे इसमें संडे मंडे ट्यूजडे का चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। और फॉर्मेट में एक्सेल की जो कस्टम फॉर्मेटिंग वाली मेथड है, उस कस्टम फॉर्मेटिंग वाली मेथड को लगा सकते हो। यहाँ पे दे दीजिए कि मुझे 3 बार DD या 4 बार DD कर दीजिए, तो फिर ये आपका ये संडे मंडे ट्यूजडे शॉर्ट में आएगा, 4 बार करेंगे तो फुल में आएगा। तो 3 फॉर्मूला है, पहला है डेट का, तो आपने भी सीखा इसमें आपने क्या फॉर्मूला सीखा, आपने फॉर्मूला सीखा, सबसे पहले सीखा आपने फॉर्मूला टुडे का, फिर नाउ का, फिर डेट में से किसी बिना किसी फॉर्मूले के मदद से डेट को कैसे अलग, डेट में से पार्ट कैसे अलग करेंगे, फिर आपने सीखा फॉर्मेट का फॉर्मूला, मंथ का फॉर्मूला, डे का फॉर्मूला, और एक आपका ईयर का फॉर्मूला होता है जो कि आप ईयर को किसी डेट में से ईयर को अलग कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा आप इसी में से पार्ट को अलग कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, डेट चाहिए, डे चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ नंबर चाहिए, क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर नंबर चाहिए, या ईयर चाहिए, या से भी अलग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंबाइन जब करना हो तो कंबाइन करने के लिए आप डेट का फॉर्मूला ले सकते हैं जिससे आपको कंबाइन। अब बात करते हैं इसमें एडिशंस की। जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरा डेट है, मुझे इस डेट में मान लीजिए 20 दिन जोड़ना है, क्या जोड़ना है, मात्र 20 दिन जोड़ना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, लिखूंगा डेट प्लस 20, नॉर्मली लिख दूंगा, क्या हो गया होगा लग रहा है। तो यहां पे आपको ऐड करके आ गया, यहां से डेट एंड टाइम का जगह पे सिर्फ आप यहां पे डेट का फंक्शन दे दे तो आप डेट आएगा सिर्फ आपका, क्या आपका 20 दिन जुड़ गया, लेकिन मुझे इस पे 3 महीने जोड़ने हैं। अब आपको 3 मंथ जोड़ने हैं, 3 मंथ के लिए क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पे अब मैं 90 × 3 × 30 नहीं करूंगा, फिर इसमें हमारे पास एक ई डेट का फॉर्मूला होता है। ई डेट फॉर्मूले में आप किसी भी डेट में मंथ को जोड़ेंगे तो 3 महीने का बाद डेट फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे आपका देखिए 2 जनवरी है, तो ये आपका 2 जनवरी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 2 मार्च दिखा देगा, तो 2 अप्रैल, 3 महीना जोड़ना है, 2 अप्रैल दिखा दिया आपको यहाँ, तो सिर्फ मंथ ऐड करेंगे। और मंथ को माइनस करना है तो जितना माइनस करना है उसको माइनस फॉर्मेट में लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 3 है, 3 को मैं माइनस फॉर्मेट में रख दूंगा तो ये आपका माइनस होके शो होगा। तो प्लस करना है तो प्लस, एंड माइनस करना है तो माइनस। तो कोई अगर डे जोड़ना है तो जस्ट आप प्लस कर दीजिए, डेट ऐड हो जाएगा, लेकिन कोई महीना जोड़ना है तो फिर आपको ई डेट का फॉर्मूला लगाना होगा। तीसरा, मुझे इस डेट में मान लीजिए 2 साल 3 महीने and 22 दिन जोड़ने हैं, 2 साल 3 महीने and 22 दिन जोड़ने हैं, या फिर मुझे मान लीजिए सिर्फ 2 साल ही जोड़ने हैं, तो 2 साल जोड़ने हैं तो बस यहाँ पे आप 24 महीना कर दीजिए तो 2 साल ऐड हो जाएगा। तो साल के लिए और महीने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर साल है तो 12 से मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए, महीना है तो नॉर्मल डाल दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कई फॉर्मेट जोड़ना है कि 2 साल 3 महीने और 22 दिन। तो यहां पे कैसे करेंगे, तो यहां पे हम डेट वाला मेथड अपनाएंगे कि डेट हम बोलेंगे कि ईयर, ईयर किस में से लेना है तो डेट में से लेना है, या फिर डायरेक्ट यहां भी मैं लिख सकता हूं, यहां पे ईयर मंथ का लगाने का फॉर्मूला जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट यहां से अलग कर सकता हूं, डेट हमने बोला इसमें से ईयर, ईयर प्लस 2 साल, फिर वापस हमने डेट दिया और हमने यहाँ पे बोला मंथ, मंथ में हम 3 महीना ऐड कर दिया और फिर हमने बोला डे, तो डे के लिए हमने डेट और इसमें से हम डे को अलग करते हैं, और इस डे में प्लस 22 दिन। तो ध्यान से देखिए, हमने
डेट में से ईयर को अलग किया, हमने प्लस टू को लिया, डेट में से हमने मंथ को अलग किया और थ्री कर दिया, और हमने डेट में से डे को अलग किया और हमने 22 जोड़ दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको आपके डेट में 2 साल 22 महीना जुड़ जाएगा। अब यहां पे मंथ ऐड नहीं हुआ क्योंकि मुझे मंथ नंबर लेना चाहिए था, मंथ नंबर, क्योंकि जनवरी में तो प्लस नहीं करेगा ना, इसलिए यहां पे एरर दिखा रहा था। अब यहां पे आ गया, देखिए 24 हो गया, और जनवरी में 3 ऐड जोड़ेगा तो अप्रैल आ जाएगा, और 2 साल जोड़ेगा तो 2021 आ जाएगा, 19 में 2 साल जोड़ेगा। तो आपका ये इस तरह से किसी डेट में ऐड कर सकते हो। तो किसी डेट में आप डेट जोड़ना है तो जो डेट को इजीली जोड़ दीजिए, मंथ जोड़ना है तो ई डेट लगा लीजिए, और आपको मंथ या डे जोड़ना है तो इनका यूज कर सकते हैं। तो इसमें डाउट कोई कल्पेश जी एंड बाकी लोग, सागर जी किस तरह का डाउट? तो मैं बता ना आपको, ई डेट के फॉर्मूला में आप ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, जो 2 साल जोड़ना है तो 24 महीना कर दीजिए। हाँ नहीं, ईयर के लिए कुछ नहीं है, नहीं इस मेथड में भी चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके डाउट। तो ओके, तो हम डेट के अंदर में, हम डेट में डेट में ऐड करना सीख लिया, एडिशन सीख लिया। आप बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, राइट? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो न्यू कॉलम पे चलते हैं, न्यू कॉलम, यहां पे डीआईएफ करके डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर दो डेट के बीच का डिफरेंस, मुझे मान लीजिए डीटी, और तो आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दीजिए, आपका दोनों के बीच का डिफरेंस आपका अलग हो जाएगा। और नंबर यहां पे देखिए क्या है कि इसमें, तो क्योंकि डेट का फंक्शन इसलिए आया कि यहां पे डेट एंड टाइम के जगह पे आप यहां पे होल नंबर कर दीजिए, आ गया नंबर ऑफ डेज, ठीक है? यहां पे इसके लिए एक फॉर्मूला भी है डेज का, इसके लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, नहीं डेज का फॉर्मूला नहीं है, माफ कीजिएगा आप गलत बोल दिया, एक्सेल में होता है। लेकिन दोनों के बीच में मुझे जो निकालना है वो निकालना है, मुझे सैटरडे एंड संडे को इग्नोर करना है। तो उसके लिए होता है नेट, नहीं नेटवर्क डे नहीं होता इसमें, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, ये मैंने पढ़ा था, लग रहा है इसमें क्यूरी नहीं पढ़ लिया क्या मैंने? हाँ नहीं होता, माफ कीजिएगा, वीक डे होता है। तो दो डेट के बीच में अगर आपको डिफरेंस चाहिए, नहीं सैटरडे संडे को इग्नोर करने का ऑप्शन इसमें नहीं है, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया। दो डेट के बीच में अगर डिफरेंस आपको निकालना है तो जैसे आप डेज में निकाल दिया, अगर मंथ में निकालना हो तो यहाँ पे डी आई डेटेड इफ होता है, डेटेड इफ मतलब डेट डिफरेंस, डेट डिफरेंस। तो इसमें हमने बोला कि डेट, तो हमने बोला कि डेट में डेट है हमारा, और इसमें हमारा अगला जो है डेट टू कौन सा है, डीटी है, और इंटरवल क्या चाहिए। तो इसमें आप इंटरवल में सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इसमें से मंथ चाहिए, तो आपका दोनों के बीच में कितना महीने का डिफरेंस है वो डिफरेंस आ जाएगा। ईयर चाहिए तो यहाँ पे ईयर का डिफरेंस आ जाएगा, डे चाहिए डे का, जो भी चाहिए आपको डेट डिफरेंस में इसका निकाल सकते हैं।
ठीक है सर। एक लास्ट फॉर्मूला आता है हमारा ईओ मंथ, और ये दूसरा आता है ईयर फ्रीक्वेंसी। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक वीक नंबर भी है, वीक डे भी है। तो जैसे कि हमने ये डेटे व्यू के बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले वीक डे फॉर्मूले के बारे में। तो वीक डे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मुझे पता करना है, डी टी कर देता हूँ कि ए वीक का कौन सा वीक है, तो ये आपको बता देगा कि ये सातवां, एक से सात तक का नंबर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप, जैसे आपने किया था ना कि आपको तीन बार डी डी कर देते हैं तो आपका डे आ जाता है कि संडे मंडे ट्यूजडे, लेकिन आपको नंबर में चाहिए तो आप वीक डे का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा हमारा होता है एक वीक नाम। वीक नाम फॉर्मूला क्या होता है, वीक नाम फॉर्मूला क्या करता है, बताता है ये साल का कौन सा वीक है। जी हाँ, साल का कौन सा वीक है वो बताता है, ये महीने का वीक नहीं बताता, साल का वीक बताता है। तो वीक डे फॉर्मूला हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा ईओ मंथ फॉर्मूला है, एंड ऑफ द मंथ, ये बताएगा आपको कि इस महीने का लास्ट डेट कौन सा है, लास्ट डेट कौन सा है। तो जैसे हमने डेट में हमने डी टी सेलेक्ट कर लिया और इसका लास्ट डेट बताने के लिए यहाँ पे हमने जीरो कर दिया, मतलब कि उसी महीने का, तो आपका उसी महीने का डेट दे देगा। अब वन करेंगे तो अगले महीने की, टू करेंगे तो अगले के अगले महीने, ऐसे नंबर आगे की तरफ आए, और माइनस में करेंगे तो पीछे की तरफ के नंबर्स को शो करेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये डेट एंड टाइम के फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया। डेट एंड टाइम का फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया, इसमें कुछ और नहीं है। एक फॉर्मूला और था लेकिन उसका यूज यहां हम नहीं करते। एक नया फॉर्मूला है कैलेंडर का, इसका काम है कि जो भी डेट डालेंगे उस डेट के बीच बिटवीन डेट आपको शो कर देता है। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में डालते हैं। डेट, हाँ, 2020 कॉमा डेट 2012।
मल्टीपल वैल्यू स्प्लिट द सिंगल वैल्यू बाय स्क्रिप्टेड. पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. टेबल इफ़ोर द मल्टीपल वैल्यू बाय स्प्लाइड विद द सिंगल स्क्रिप्टेड. इसका यूज हम लोग करते हैं, अलग करते हैं, काउंट वगैरह भी करते हैं. ये ऐसे फॉर्मूला है ना, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो डेटा डायनामिक्स से मोस्टली खत्म हो गया. तो हम इसके बारे में दो फॉर्मूले इसके रह गए हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. मुझे इसके बारे में इसका एग्जांपल सही तरीके से पता नहीं है और मैं इसका डेटा सही तरीके से लगा नहीं पा रहा हूँ. मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, अगला हमारा फॉर्मूला होगा. हमने टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला नहीं किया है ना सर? कर लिया है. हेलो हेलो, हाँ बोलिए. टेक्स्ट हो गया है तो हम जो है कल की क्लास में टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूले करेंगे. ठीक है, नहीं टाइम इंटेलिजेंस, हाँ नया है, थोड़ा सा नया है, कुछ चीजें नई है इसमें. ठीक है, सर इसके लिए नहीं है, एक्सेल में नहीं है फॉर्मूला. सर फॉर्मूला का लिस्ट सामने खुला हुआ है, इसमें नहीं है फॉर्मूला. नेटवर्क एज होता है, हो सकता है इसमें क्या हाउ नंबर नेटवर्क डेज एंड फॉर्मूला, नेटवर्क डेज फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. एक्सेल में है नेटवर्क डेज डॉट आई, एक मिनट जाइएगा. अभी तो सर आपका मैथमेटिकल है, लुकअप है, तीन चार कैटेगरी बचा हुआ है. मतलब समझिए ना, आपका 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा फंक्शंस. नहीं आइडेंटिटी फॉर्मूला, डेटेटिव में नहीं है, डेटेटिव भी उतना एक्सेल जैसा नहीं है. ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम. ओके बाय.